जन्मभूमि आंदोलन को उस दलदल में नहीं घसीटना चाहते, इसलिए संतों ने निर्णय किया कि हम आगामी 4 महीने तक कोई और नया आंदोलन नहीं करेंगे। राम मंदिर के लिए जोर शोर से आंदोलन करने वाली विश्व हिंदू परिषद अब चुनाव तक चुप्पी साधे रहेगी। बीएचपी अगले 4 महीने तक ना तो राम मंदिर निर्माण के लिए कोई आंदोलन करेगी, ना ही मोदी सरकार पर कोई दबाव बनाएगी। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि लोकसभा चुनाव तक मंदिर का आंदोलन स्थगित रहेगा। बहुत जल्दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही, और कुछ प्रदेशों में रोक लगाई जा सकती है, संघर्ष का निर्माण करने की परिस्थितियां पैदा की जा सकती है। हम जन्मभूमि आंदोलन को उस दलदल में नहीं घसीटना चाहते, इसलिए संतों ने निर्णय किया कि हम आगामी 4 महीने तक कोई और नया आंदोलन नहीं करेंगे। हाँ, जागरण के कार्यक्रम करते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने यह फैसला क्यों लिया कि वो चुनाव तक राम मंदिर का आंदोलन नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पिछले साल ही वीएचपी ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली थी। अयोध्या में 25 नवंबर को वीएचपी ने धर्म सभा कर मंदिर आंदोलन को नए सिरे से धार दी थी। प्रयागराज कुंभ में 31 जनवरी और 1 फरवरी को वीएचपी ने धर्म संसद भी बुलाई थी, जिसमें साधु संतों ने एक सुर में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण तक चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने डंके की चोट पर कहा है कि अगले 4 महीने तक हम चुप ही रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा बने और हम पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने का आरोप लगे। एक विषय ध्यान में आया कि चुनाव नजदीक हैं, जल्दी ही घोषित होने वाले हैं। यदि हम कोई आंदोलन घोषित करते, लोग यही कहेंगे कि आप चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह बयान आया है तो आरएसएस ने राम मंदिर मामले पर धैर्य रखने की नसीहत दी है। देहरादून दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर तो बनेगा लेकिन साधु संत धीरज बनाए रखें। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना होगा कि हाल ही में प्रयागराज कुंभ में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में हुई परम धर्म संसद में साधु संतों के एक धड़े ने अयोध्या कूच का ऐलान तक कर दिया। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख 21 फरवरी तय कर दी थी। फरवरी को शिलान्यास हमारे द्वारा वहाँ किया जाएगा। हम लोग तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर देती है तब तक तो वो लागू है जी, तो वहाँ रामलला विराजमान वही जन्मभूमि है जी, हम तो उसका उल्लंघन कहाँ कर रहे हैं। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है कि चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का मुद्दा उछाला जा रहा है, लेकिन अब जब विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव तक मंदिर आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है तो विपक्ष के पास ये कहने का मौका नहीं रहेगा कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को भगवान राम याद आते हैं। वैसे भी बीजेपी ये कह चुकी है कि राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, कोई कार्यकर्ता दुविधा में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, उसी जगह पर भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी बनना। आरएसएस, वीएचपी और साधु संत पहले से ही मांग करते रहे हैं कि कानून के रास्ते राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया जाना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी खुद ये कह चुके हैं कि अध्यादेश पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला ना आ जाए। हालांकि मोदी सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अयोध्या की गैर विवादित जमीन को सौंपने की मांग जरूर की है। मंदिर आंदोलन को फौरी तौर पर स्थगित करने के विश्व हिंदू परिषद के फैसले से बीजेपी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि चुनाव के दौरान राम मंदिर का मामला उठने से सरकार की फजीहत हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।